वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भी जीत के साथ आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 68 रनों से जीत हासिल की और T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। मुकाबले की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 190 रन लगाए। टॉस वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने जीता। उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 44 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेली और टीम के लिए अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी 16 गेंदों में 24 रन का योगदान दिया, लेकिन वह अकील हुसैन की गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। इसके अलावा बल्लेबाजी में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर T20 में फ्लॉप हुए और श्रेयस अय्यर 4 गेंदों में 1 भी रन नहीं बना पाए और पवेलियन बिना खाता खोले लौटे। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 12 गेंदों में 14 रन बना सके। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो केवल 3 गेंदों में उन्होंने 1 रन बनाया। रविंद्र जडेजा लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे और उन्होंने 13 गेंदों में 16 रन का योगदान दिया, लेकिन इन सभी के बीच पारी के अंत में अपनी बल्ले से धमाका करने वाले दिनेश कार्तिक ने कमाल किया। उन्होंने 19 गेंदों में 41 रन बनाए। आपको बता दें कि रवि अश्विन भी T20 में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे और दिनेश कार्तिक और अश्विन के बीच एक बड़ी साझेदारी हुई। वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो ओबी मोकोई ने 1 विकेट चटकाया। इसके अलावा जेसन होल्डर को भी 1 विकेट मिला। वहीं अकील हुसैन 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे, जो कि वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं अल्जारी जोसेफ ने 4 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बता दें कि अल्जारी जोसेफ वेस्टइंडीज की तरफ से T20 में डेब्यू कर रहे थे। इसके अलावा ओडियन स्मिथ विकेट नहीं निकाल पाए। वहीं कीमो पोल को भी 1 विकेट मिला। 191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के लिए लक्ष्य बड़ा था और टीम के ओपनिंग बल्लेबाज काइल मारिस और ब्रुक्स ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। काइल मारिस की बात करें तो 6 गेंदों में केवल 15 रन बना पाए और पवेलियन वापस लौटे। ब्रुक्स की बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों में 20 रन का योगदान दिया। इसके अलावा टीम के स्टार बल्लेबाज जेसन होल्डर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और 4 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कप्तान निकोलस पूरन ने पारी को संभालने की कोशिश की। निकोलस पूरन की बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों में 18 रन बनाए। रोमन पोवल ने 17 गेंदों में 14 रन का योगदान दिया। शिमरन हेटमायर ने 15 गेंदों में 14 रन का योगदान दिया और साथ ही अकील हुसैन की बात करें तो उन्होंने 15 गेंदों में 11 रन बनाए। इसके अलावा कीमो पोल ने अंत में 22 गेंदों में 19 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला, तो टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट, साथ ही रवि अश्विन ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट और रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए। बहरहाल मैच से इतर बात करें तो अब वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की पारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए T20 मुकाबले के दौरान श्रेयस अय्यर की बेहतरीन फील्डिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग अब अय्यर की इस फील्डिंग और साथ ही उनके इस प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग के दौरान भारत के लिए 4 रन बचाए और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। श्रेयस अय्यर गेंद को रोकने के लिए स्पाइडरमैन बनते हुए नजर आए। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो वेस्टइंडीज की टीम के पावर प्ले का 5वां ओवर चल रहा था। इसी दौरान भारत की तरफ से रवि अश्विन गेंदबाजी करने आए। इसी दौरान निकोलस पूरन वेस्टइंडीज के कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने आगे निकलकर रवि अश्विन की गेंद पर डीप मिड विकेट में एक शानदार शॉट खेला और शॉट को देखकर लगा कि गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरेगी और वेस्टइंडीज की टीम को 6 रन मिल जाएंगे, लेकिन गेंद और बाउंड्री के बीच में भारत के फील्डर श्रेयस अय्यर आ गए। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर बाउंड्री पर खड़े थे, इसी दौरान उन्होंने बाउंड्री की तरफ छलांग लगाई और बॉल को फील्ड के अंदर फेंक दिया, साथ ही खुद बाउंड्री रोक के बाहर जाकर गिरे और उसके बाद उठकर के गेंद को उठाया और टीम के लिए 4 रन बचाए। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर कैच लेने में तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी फील्डिंग एफर्ट्स की तारीफ इस वक्त सोशल मीडिया पर सभी लोग कर रहे हैं। साथ ही ऑन फील्ड उनके साथ ही खिलाड़ियों ने भी उनकी तारीफ की। टीम के लिए विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर को कहा कि बंदर के जैसे उछलकर आपने टीम के लिए रन बचाए। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। बहरहाल आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी के दौरान अपना T20 में 27 बार शतक लगाया और वह T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।